क्या आपके अंदर एक जासूस है? क्या आप भी मूवी देखते समय उसकी एंडिंग पहले से सोच लेते हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है तो डाल लीजिए, क्योंकि मैं नहीं डालने वाला। तो भाई चलते हैं, बात करते हैं आज एक ऐसी मूवी के बारे में जो भाई हर समय गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है, लेकिन जैसे ही आप इसका सर सुनते हो ना तो आपके दिमाग का दही बन जाएगा। द स्टोन मैन मर्डर मूवी एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसको हम जैसे लोग खूनी, हत्यारा, कातिल कुछ भी बोल देते हैं। तो आपको इसे थैंक यू बोलना होगा, क्योंकि मैं इस मूवी के लिए आपका एक रुपये भी खर्च नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये आपको फ्री में मिल जाएगी। और एक बात और, एक हिंदी में भी है तो आपका डबल फायदा। कहानी 1980 के बॉम्बे से शुरू होती है, जहाँ पर संजय नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी ईमानदारी और मुजरिमों के लिए नफरत के दम पर अपना पुलिस की नौकरी में एक अलग ही नाम कमा रहा था। लेकिन आपने सुना होगा अति किसी के लिए भी अच्छी नहीं रहती। ये भाई साहब एक बार अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए और जेल में एक मुजरिम को मारते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। तो फिर क्या हुआ, बंदे ने अपनी जॉब खो दी, मतलब सस्पेंड। और इनके ठीक उल्टे हैं हमारे केदार भाई साहब। भाई साहब पुलिस की वर्दी को इतना अहमियत नहीं देते, बस जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पर बंदा हाजिर बंदूक लेके। फिर होता है एक अजीबो गरीबो हादसा, सड़क पर सोने वाले भिखारी एक मर्डर सीरीज का हिस्सा बन जाते हैं। आज यहाँ पे फूटा हुआ शरीर मिला तो कल यहाँ पे किसी का कुचला हुआ शरीर मिलेगा। यहाँ पर हर रोज कुछ ऐसा ही मिलता है। इन सब में एक बात सेम निकल के आती है कि जो भी खून होते हैं वो एक बड़े से पत्थर से किए जाते हैं। अब देखो इस केस को हैंडल कर रहे हैं हमारे केदार भाई साहब, और अलग से संजय भाई साहब अपनी एक अलग ही तहकीकात कर रहे हैं। सच्ची बताऊं तो संजय भाई साहब का स्टोन मैन मर्डर इस पूरी कहानी को सोल्व करके अपनी जो खोई हुई पोस्ट है, मतलब जो अपनी नौकरी खो दी थी, उसको वापस पाना चाहते हैं। और इनकी तहकीकात के बाद दिमाग को हिला देने वाले सच बाहर निकल के आते हैं। नंबर वन, सारे कतर रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में किए जाते हैं। इस टाइम शनि का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है। और एक बात और, हर एक बॉडी के पास एक नारियल पड़ा रहता है और सिंदूर भी। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी की बलि दी हो ना देवी देवताओं को खुश करने के लिए। और एक छोटा सा पत्थर इस मूवी की पूरी क्रिएटिविटी है। देखो अंधविश्वास इंसान के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है, जो अब कोरोना से भी खतरनाक हो सकती है। और इसका जहर ज्यादा फैल जाए तो इंसान ही इंसान के लिए राक्षस बन जाता है। वैसे मूवी 1.5 घंटे की है, लेकिन आप जैसे पूरे 90 मिनट इसको देखते हो तो आप इसमें उलझ जाओगे जैसे एक मकड़ी अपने जाले में फंसी रहती है। यहाँ पर मूवी की एंडिंग इतनी खतरनाक होती है कि जो भी खून हुए, कत्ल हुए, उनके आंसर हमें यूं मिलते हैं, दिमाग को घुमा देंगे, मतलब हमारे पैर उतरा जमीन खिसक जाएगी, इतने खतरनाक आंसर मिलते हैं हमें। ये मूवी पूरी की पूरी रियल लाइफ पे बेस है, मतलब रियल लाइफ से मिलती जुलती है। 1983 में बॉम्बे की सड़कों पर कुछ बेनाम लोगों की लाशें पाई गई थी, जो कि पूरी पूरी इस मूवी की तरह है। और यहीं पे बात करते हैं दूसरे केस की। 1987 में 9 लोगों की लाशें भी कुछ इसी प्रकार पाई गई थी, जिसको अभी तक सोल्व नहीं किया गया, मतलब जो खूनी है वो अभी तक जिंदा घूम रहा है। 40 साल बाद भी आज तक वो केस सोल्व नहीं हुआ, हैरत की बात तो ये है। तो थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, नहीं तो अगला सावधान इंडिया का एपिसोड आपके घर से शूट होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दिल से लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस मूवी के बारे में पता चले। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटे का ऑप्शन भी है, उसे भी ऑल पे क्लिक कर देना। और आपको अगर मेरे से कोई शिकायत करनी है तो आपको मेरी इंस्टा आईडी दिखाई दे रही है, इस पर मुझे फॉलो करके मैसेज करके बात कर सकते हो मेरे से। नहीं थोड़ा वेट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।